करनाल में अब सफाई व्यवस्था और अच्छी होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड से कूड़ा कचरा उठाने वाले 40 नए टिप्परों व 2 जेसीबी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नए टिप्पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम को दिए गए हैं। निगम में अब घर घर से कूड़ा एकत्र करने वाले टिप्परों की कुल संख्या 90 हो गई है। अब शहर के प्रत्येक वार्ड में 2 की बजाय 4 टिप्परों की सेवाएं रहेंगी, जिससे कूड़ा एकत्रीकरण और उसे सॉलिड वेस्ट प्लांट में ले जाने के कार्य में और बेहतरी आएगी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सफाई संसाधनों में नए टिप्परों के शामिल होने को लेकर निगम और शहरवासियों को बधाई दी है। कार्यक्रम में नए टिप्परों को यू शेप में सलीके से पार्क किया गया था। मुख्यमंत्री झंडी दिखाकर रवाना करते रहे और चलते रहो कहते रहे। बता दें कि 40 नए टिप्परों की खासियत यह है कि उनमें गीले और सूखे कचरे के लिए हरा और नीला पेंट होने के साथ साथ बॉक्स भी अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि हाउस होल्ड या घर घर से कूड़ा एकत्र करने वाले सफाईकर्ता को सेलिब्रेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यही नहीं, पीछे की साइड में बायोमेडिकल वेस्ट व ई वेस्ट डालने के लिए लोहे के 2 सर्कल बनाए गए हैं, जिनमें ऐसे वेस्ट के लिए डस्टबिन रखे जाएंगे। दूसरी ओर नए टिप्परों को लेकर निगम आयुक्त विक्रम ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर बनेगी। करनाल सफाई के मामले में पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानजनक रैंकिंग प्राप्त कर चुका है। इस दौरान उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ निशांत कुमार यादव, योगेंद्र राणा, जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, संजय भटला समेत कई मौजूद रहे। हमारे जो कॉर्पोरेशन के करनाल के मेयर और हमारे यहाँ के अधिकारी पार्षद, उन सबको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आज हर वार्ड में एक टिप्पर इसको चलाने के लिए हरी झंडी मैंने दिखाई है। सब जगह कूड़ा इकट्ठा करने की जो सुविधा हर वार्ड में मिल जाएगी, उससे शहर की सफाई होने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, इसके साथ वाईफाई जो आज, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है और इसमें जो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, कम्युनिकेशन के नाते से, इंटरनेट के नाते से, शहरों के साथ साथ गांव में भी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 288 गांव के अंदर वाईफाई चौपाल के माध्यम से और ये जो हमारा इंटरनेट के कनेक्शन की सुविधा उनको सबको मिल रही है, वहाँ जो VLEs हैं, जो CSE सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन गाँव में दिए जा रहे हैं। आज मैंने कुछ सरपंचों से, गाँव के VLE से सीधी बात की है, तो उसका बहुत लाभ वहाँ लोग उठा रहे हैं। हर गांव की, हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कोई एप्लीकेशन देना है, कोई किसी चीज़ का अप्लाई करना है, कोई डिमांड भेजनी है, कोई कठिनाई है उनकी, इन सब बातों के लिए उनको शहरों में आना जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी किसी ऑफिस का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वही गाँव में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं, अपनी डिमांड्स को भेज सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, गुरुग्राम में भी एक अंडरपास का उद्घाटन किया है। गुरुग्राम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज एक यू टर्न फ्लाईओवर जो शंकर चौक के ऊपर बनाया गया है, आज उसका भी उद्घाटन किया। उसके कारण से जो शहर की कंजेशन है, कुछ चौक्स वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो उसकी सुविधा के लिए शहर के लोगों को उसकी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.